क्या आप मार्केट में नई फॉर्च्यूनर लेने निकले हैं एंड आपके पास फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेने के पैसे नहीं है? वेल टोयोटा ने आपकी ये वाली मुसीबत भी दूर कर दी है एंड लॉन्च कर दी है फॉर्च्यूनर का नया लीडर एडिशन। मात्र 36,40,000 रुपये दे के आपको ये फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लेजेंडर जैसी लुक भी मिल जाती है, बहुत अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं हूँ आपका होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी भी हमारे साथ है और हम आ चुके हैं गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के प्राइस और वेरिएंट की बात कर लेता हूँ, सो आज मैं खड़ा हुआ है इस फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन का ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट एंड इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 36,40,000 रुपये से। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं चाबी की बात करता हूँ, सो आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड आपको बूट ओपन करने का भी बटन मिल जाता है एंड द की लुक्स यू नो वेरी वेरी प्लास्टिक टू मी। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे फ्रंट की बात कर लेते हैं, सो आपको यहाँ पे बहुत प्यारी लेक्सस लुक वाली ग्रिल मिल जाती है। फॉर्च्यूनर की बाइकिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है एंड अगेन जो इस गाड़ी का हेडलैम्प्स उसके अंदर प्रोजेक्टर मिल जाता है। नीचे तरफ भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप प्रोजेक्टर दे दिए गए हैं एंड इस गाड़ी के अगेन DRL एंड इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे LED वाले ज़रूर मिल जाएंगे। अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे साइड प्रोफाइल पे चल लेते हैं एंड टायर की बात कर लेते हैं, सो द टायर साइज 2560 R17 17 इंच की आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं एंड इट इज़ कलर्ड इन ब्लैक कलर। अगर मैं गाड़ी की ना ओवरऑल फिट एंड फिनिशिंग की बात कर लेता हूँ, सो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे प्लास्टिक की फीलिंग या फिर करोल बाग लुक लाइक फीलिंग जरूर आ रही है। वेल आपको यहाँ पे एक फुट स्टेप भी दे दिए गए एंड जो ये वाले मिरर है ये अंदर से फोल्डेबल भी है एंड एडजस्टेबल भी एट द सेम टाइम। आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रूफ रेल मिल जाती है, आपको ब्लैक कलर की रूफ दे दी गई है ट्यूनो रेप्लिकेट की। आप एक बहुत अच्छी खासी या फिर लेजेंडर लुक लाइक गाड़ी चला रहे हैं। अगर इस गाड़ी के हम यहाँ पे रियर प्रोफाइल की ओर चल लेते हैं, सो अगेन अगर मुझे इस गाड़ी का मान लो बूट खोलना है सो मैं ये वाला बूट गाड़ी की चाबी से भी खोल सकता हूँ ऐसे ईजिली एंड यू नो आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है विच लुक्स वेरी वेरी कूल टू मी। बूट स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट वंस दी सीट्स आर डाउन आपके पास अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे ज़रूर बन जाती है। अगर इस गाड़ी की मैं यहाँ पे बम्पर की ही बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा खासा पियानो बैक ट्रीटमेंट दिया गया है एंड आई थिंक इट इज़ द पार्ट ऑफ लीडर एक्सेसरीज। अगेन आपको यहाँ पे सेंसर्स भी मिल जाते हैं, फॉर्च्यूनर की बैटिंग आपको यहाँ पे भी दे दी गई है, लीडर एडिशन की भी आपको यहाँ पे बैटिंग मिल जाती है एंड जो गाड़ी की अगेन ये वाली टेल लाइट है आपको फुली LED भी मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के रियर सीट में भी आप काफ़ी अच्छे खासी उन्होंने प्रीमियम फील देखने को जरूर मिल जाएगी। अगर मैं इस बार डोर पैनल की ही बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बाजिंग मिल जाएगी विच लुक्स वेरी वेरी कूल टू मी। आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री भी दे दी गई है, आप अपना फ़ोन इवन चाहे तो इस जगह पे भी डाल सकते हैं एट एनी, जिसकी चारों पावर विंडो है वो ऑटो और ऑटो डाउन भी हो जाती है विच इज़ अ वेरी वेरी कूल फीचर। जिस गाड़ी की अगेन ये वाली ग्रिल है स्पीकर की, इसमें भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग साइड्स में दे दी गई है एंड नीचे आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग भी मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की मैं सीट की ही बात करता हूँ, सो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम ओवर है एंड इट हैज सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, बट द रिक्लाइन एंगल इज ऑन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। आपको इस जगह पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है एंड आप अपना फोन यहाँ पे इजीली टिका सकते हैं। टोयोटा की बैजिंग आपको यहाँ पर नीचे दे दी गई है मैट्स के अंदर विच इज अगेन द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज, आपको यहाँ पे भी हुक मिल जाता है और आपको टॉप माउंटेड वाले यहाँ पे वेंट्स भी दे दिए गए विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी कूल पार्ट। लीडर एडिशन का जो कॉकपिट एरिया वो भी किसी जहाज से कम नहीं है, आपको यहाँ डोर पैनल के अंदर बहुत अच्छे से टूटर का कटआउट भी मिल जाता है एंड इसमें टूटर भी लगे हुए हैं एक्चुअली में। जो आपके पावर विंडोज एंड ओवर विंडो बटन है वो यहाँ पर लोकेटेड है, आपको क्रोम गार्निशिंग वाले यहाँ पर डोर हैंडल बार मिल जाते हैं, यू कैन कीप सम स्टफ ओवर हियर टू। एंड अगर मैं इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ ही जाता हूँ, सर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। आपको यहाँ पर TPM सेंसर का भी ऑप्शन दे दिया गया विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट, आप अपना DEF भी यहाँ से इजीली रिलीज कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले स्टीयरिंग व्हील की ही बात कर लूँ, सो यहाँ पर आपको लेदर रैप भी मिल जाता है, वुडन फिनिशिंग भी मिल जाती है और आपको यहाँ पर पेडल शिफ्टर भी अंदर दे दिए गए हैं। ये आई थिंक इसके अंदर आपको रीच एंड रे दोनों ही मिल जाता है, येस सो यू डू गेट रीच एंड रे इन द स्टेयरिंग व्हील एट द सेम टाइम। जिस गाड़ी का टैकोमीटर है अभी भी यू नो बहुत वो रेट्रो लुक अलाइक है, आपको यहाँ पे दो बड़े डायल मिल जाते हैं, सेंटर में स्क्रीन मिल जाती है, बट अगेन द स्क्रीन लुक्स वेरी वेरी डेटेड टू मी। अगर मैं इस गाड़ी की स्क्रीन की बात करूँ, सो दिस वन इज़ एन 8 इंच स्टीरियो सिस्टम, इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट इट इज़ ऑन द वेरी वेरी डेटेड साइड एंड यू नो घंटे लग जाते हैं उसको चलने में, बट ठीक है अभी टोयोटा इस चीज़ों पर काम कर रही है एंड यू नो वो अभी इतना अच्छा इस पर नहीं रिस्पॉन्स दे पाई है। अगर मैं इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की बात कर लूँ, सबको इस गाड़ी में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है एंड यू नो पीछे वाली जो सीट है उस पर भी क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, सो आपको इंडिविजुअल सेटिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। यू कैन कीप योर फोन ओवर हेयर टू एंड जो आपकी गाड़ी की आगे की सीट है वो भी वेंटिलेटेड है, सो उसके बटन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। आपको यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे खासे यहाँ पे कप होल्डर दे दिए गए हैं। जिस गाड़ी का गियर बॉक्स भी है वो थोड़ा सा प्लास्टिक ही तो है, यू नो थोड़ा बहुत आपको मुशक्कत करनी पड़ सकती है गियर चेंज करने में, बट यू नो
यही इस गाड़ी का जिस्ट एंड इट लुक्स वेरी वेरी कूल टू मी। जिस गाड़ी की अगेन हैंड ब्रेक भी है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे लेदर अपोस्टिंग मिलती दिख जाएगी लॉन्ग विद द वाइट स्टिचिंग ओवर हियर। यू कैन स्विच टू इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड यूजिंग दिस बटन। आपको बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है एंड यू कैन कीप एम्पल अमाउंट ऑफ स्टफ ओवर हियर टू। अगर इस गाड़ी की मैं ये वाली सीट्स की ही बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सेटिंग मिल जाती है फॉर बोथ द सीट्स एट द सेम टाइम। फॉर्च्यूनर की बाजिंग आपको यहाँ पे अगेन दे दी गई है। आपको इस गाड़ी के अंदर डुअल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी कूल पार्ट एंड दिस डज कम विद द सॉफ्ट ओपनिंग एट द सेम टाइम। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे प्लास्टिक की फीलिंग अगेन मिल सकती है बट अदर देन दैट द फिट एंड फिनिशिंग इज ऑन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। आपको यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है। वाइड लाइट भी आपको अगेन यहाँ पे दे दी गई है। अगर मैं इस वाले ब्लाइंड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है एंड आई थिंक यहाँ पे भी आपको मिरर एंड लाइट मिलती हुई अगेन दिख जाएगी। एंड यू नो बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है आज के टाइम में एंड मिरर एंड लाइट तो नॉर्मली चाहिए ही होती है जो इस गाड़ी के ये वाले IRV में इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग मिल जाती है। अभी भी आपको इस गाड़ी के अंदर 50 लाख रुपये या 40 लाख रुपये देने के बाद 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, ADAS नहीं मिलता है बट यू नो देर इज़ समथिंग अबाउट दिस कार जो आपको बहुत अच्छी सी राजा महाराजा वाली फीलिंग ज़रूर दे देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम गैलेक्सी टोयोटा का शोरूम छोड़ के यहाँ पे कैसे आ गए। सो थोड़े बहुत वहाँ पे परमिशन का इशू हो गया था जिसकी वजह से हमें बाहर निकलना पड़ा बट एनी विच पे कमिंग बैक टू द कार इटसेल्फ। सो आपको फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के अंदर मिल जाती 2.8 लीटर की डीजल वाली मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 201 BHP एंड 500 NM का टॉर्क एंड ये वही सेम मोटर है जो कि 2016-17 से ही चली जा रही है एंड इसके अंदर यू नो BS6 BS4 के नॉर्म्स के हिसाब से सबको चेंजेस कर दिए जाते हैं। अगर मैं फॉर्च्यूनर की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ तो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स फ्रॉम द बेस वेट इटसेल्फ एंड यू सिंस ये टोयोटा का लोहा है सो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी खासी है। जो फॉर्च्यूनर की फ्यूल कैपेसिटी है उसमें आपको मिल जाता है 80 लीटर का फ्यूल टैंक एंड आपको फॉर्च्यूनर दे देगी सिटी के अंदर 8 से 9 की माइलेज एंड हाईवे में दे देगी 15 से 16 की माइलेज विच इज़ जस्ट डिसेंट इनफ एंड यू नो सिंस यू आर पेइंग लाइक 50-60 लाख रुपीज़ फॉर वन कार इटसेल्फ सो आप फ्यूल तो अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील अगेन। सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 50 या 60 लाख रुपए हैं तो आपको फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वेल अगर देखा जाए आपके पास अब इतने सारे ऑप्शंस नहीं बचे हैं एक फुल फ्लेज SUV के हिसाब से सो व्हाट आई थिंक आपको यही गाड़ी लेनी पड़ेगी एंड यू नो अभी तक एंडेवर भी नहीं है सो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। हम फिर से आते रहेंगे और अच्छी सी वीडियो लेके। टिल देन पीस।